The Dean Avesi has sent medical equipments and medical aid to Maharashtra for COVID patients. MP Aurangabad, Mr. Imtiaz Jalil inaugurated the medical equipments. These medical aid is for Aurangabad, Malegaon and Dholia. The medical equipments are ventilator, oxygen concentrator, oximeter, thermometer and medicine kits. Corona ke chalte hue ventilators, oxygen concentrators ki iski jo kami mehsoos ho rahi thi. ये पूरे मुल्क भर में इसकी कमी महसूस हो रही थी. इस कमी को समझते हुए मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के हमारे शायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसको गंभीरता से लिया और उनको ये एहसास हुआ कि हम सरकार के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वैसे भी हुकूमत ने हमारे पास औरंगाबाद के अंदर जब वेंटिलेटर्स दी तो 150 वेंटिलेटर्स आए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, सिर्फ डब्बे हमारे पास भेज दिए गए थे. असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने तौर के ऊपर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्रस्ट है उसके ज़रिए औरंगाबाद में, मालेगांव के लिए, धुलिया के लिए, बिहार में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो पेशेंट्स को डायरेक्टली इसका फ़ायदा पहुंच सकता है वो इक्विपमेंट्स पहुंचाए हैं. असद साहब की मोहब्बत आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के लिए कितनी रहती है, उसे देखते हुए उन्होंने ये पूरा इक्विपमेंट्स यहाँ पर भेजा है जिसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स हैं, जिसमें मेडिकल के जो ऑक्सीमीटर्स होते हैं वो ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, थर्मामीटर्स के साथ साथ जो मेडिसिन का किट है, जो एक पूरा किट जो है ये अगर हम कोरोना के किसी पेशेंट को अगर देते हैं तो उसको थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेके इसका पूरा फायदा उसको पहुंच सकता है. उसको जाकर है तो ये मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आज गरीबों को मेडिसिन खरीदने के लिए भी कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम किसी हमारे जो हैदराबाद से आए हुए लोग हैं ये हमारी ही टीम को जो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे सीधा वहाँ पर वेंटिलेटर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम हमारे तौर के ऊपर वहाँ पर उनको देंगे, इमीडिएट है तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर्स चूंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वेंटिलेटर्स देंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर अगर वो करेंगे तो उससे वेंटिलेटर के चार्जेस नहीं लिए जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं हम एक एक पेशेंट का बिल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाखों रुपये के अंदर आ रहा है. तो हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने ये किए है. चूंकि लॉकडाउन की वजह से सामान लाना बहुत दिक्कत हो रही है तो हमारी हैदराबाद की टीम जो है, माज साहब है, बाबा भाई है, ये लोगों ने ट्रेन के जरिए इसको लेकर आए हैं. आगे और भी कंसाइनमेंट्स आने वाले हैं, वो कंसाइनमेंट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो कंसाइनमेंट हमारी कोशिश है कि दूसरे हमारे जो ऐसे इलाके जहाँ पर मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है तो वो सुविधाएं हम वहाँ पर देंगे. हमने देखा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर, हम सरकार को इसमें से कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सरकार की अब आदत पड़ गई है कि लॉकडाउन कर डालो कोई ना कोई तो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा करके. हमने हॉस्पिटल की दशा कैसी है ये सभी लोग देख रहे हैं, तो हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही ये टाई अप करके ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा किस तरह से हो सकता है उस इरादे से मैं औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया, महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. ऐसे वक्त के अंदर बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर काम करने वाले ये उसूलन अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से जो असद साहब की कोशिशें थी कि कैसा ये इक्विपमेंट जल्द से जल्द प्रोक्योर किया जाए, लेकिन आपको खुद को मालूम है कि पैसा देने के बावजूद भी ये बहुत मुश्किलों से इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है. तो असद साहब ने हमसे ये कहा है कि मैं पहला कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको जितने ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सकता है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें. तो मैं तमाम लोगों की तरफ से MIM पार्टी के हमारे प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.